नमस्कार, वीकेबी न्यूज के सुबह के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। नागपुर जरीपटका मेन रोड की कपड़ा दुकान में लगी भीषण आग, दमकल विभाग की 8 गाड़ियां मौके पर पहुंची। एक पति ने जमकर पी शराब, खेत में जा गिरा, बीवी को बताया अपहरण हो गया। पुलिस को मिहान किनारे नाले के पास सोता मिला पति, हिंगना पुलिस स्टेशन की घटना। और प्लॉट खरीदने के लिए रखने दिए 4,50,000 रुपए, हड़प लिए, स्टाम्प पेपर पर जबरन साइन कराए, दोस्ती निकला धोखेबाज। और अब खबरें विस्तार से। नागपुर के जरीपटका मेन मार्केट स्थित एक कपड़ा दुकान में बुधवार रात 11:45 भीषण आग लग गई। आग लगने का कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं हो सका है। हालांकि आग की घटना की वजह से परिसर में रात को अफरा तफरी का माहौल बन गया। मिली जानकारी के अनुसार बुधवार को सभी व्यापारी अपनी अपनी दुकानें बंद कर घर चले गए थे। इसके बाद परिसर में नागरिकों ने एक दुकान से धुआं निकलते देखा। देखते ही देखते आग ने विशाल रूप धारण कर लिया। इसके बाद कपड़ा दुकान में आग लगी। सूचना मिलने के बाद महानगर पालिका के दमकल विभाग की कुल 8 गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंची। दमकल विभाग से मिली जानकारी के अनुसार सुगत नगर सिविल लाइंस, कॉटन मार्केट कलमना लकड़गंज, त्रिमूर्ति नगर दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। स्थानीय नागरिकों ने इसकी सूचना दमकल विभाग को दी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मेन मार्केट होने की वजह से यहां दुकान एक दूसरे से सटी हुई है। इसी वजह से आग पर काबू पाने के लिए दमकल ने तत्काल 8 गाड़ियां मौके पर रवाना की। क्या घटना हुई बताइए। रात को लगभग 10:30 हमारी दुकान में आग लग गई है। हम रात को 10:25 को अपने दुकान बढ़ा के घर को गए थे और 10:37 को हमें बाजू वाले दुकानदार की फोन आई कि आपकी दुकान में कुछ हुआ है और कुछ हुआ है। हम उसी समय आ गए वापस। हमारा रहना यही जेलपत्ता में है। हम 2 मिनट में यहाँ पहुँच गए। पहुँचने के बाद जैसे ही हमने शटर को ओपन किए तो हमने देखा कि आग पूरी फैली हुई थी। क्या नाम का दुकान का नाम? हमारी दुकान का नाम न्यू सदगुरु कृपा गारमेंट है। कौन फायर गाड़ी कितने बजे आई? फायर ब्रिगेड की गाड़ी लगभग अंदाजन 11 बजे के करीबन आ गई। फायर ब्रिगेड की गाड़ी वालों तत्काल आए और उन्होंने बुझाए और उन्होंने अपनी सर्विस अच्छी दी है, जिससे आजू बाजू की दुकानों में क्षति होने से बहुत बच गई, क्योंकि आजू बाजू में भी कपड़े की दुकानें हैं और लेकिन वो सही समय पे आने के है। गाड़ी कितनी आई थी? लगभग फायर ब्रिगेड की 8-10 गाड़ियां आ चुकी थी, जिसमें से एक बड़ी गाड़ी भी थी जो पूरी रात भर ये दुकान पे पूरी आग बुझाने का काम की और सवेरे तक के वो मशक्कत करते रहे। सवेरे लगभग 6 बजे के करीबन वो आग थोड़ी आग काबू में आ गई। जिससे यह बात सही है कि शराब इंसान से क्या क्या नहीं कराती। एक बार नशा चढ़ जाए तो फिर इंसान कोई भी हरकत करने को तैयार हो जाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी पत्नियों से चोरे छिपे शराब पीते हैं। पकड़े न जाए इस डर से बहाने भी तरह तरह के खोजते रहते हैं। इसी तरह की घटना हिंगना पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत सामने आई है। शराब पीने के बाद पति को लगा कि उसे पत्नी की डांट खानी पड़ेगी, तो उसने खुद के अपहरण की कहानी बनाई। प्राप्त जानकारी के अनुसार गजेंद्र कोहरे पत्नी सुरेखा के साथ गुमगांव रोड स्थित महालक्ष्मी लॉन में काम करता है। मंगलवार की दोपहर वह पत्नी दवा लेने के लिए हिंगना गया था, लेकिन दवा लेने के बजाय अपने गले को शराब से तर किया। उसे नशा हो गया। घर के लिए निकला तो रात हो गई थी। इसी बीच नशे में होने के कारण उसकी बाइक किसी खेत में घुस गई। रात भर वही नशे में पड़ा। जब नशा कुछ उतरा तो पत्नी को फोन कर बताया कि उसका किसी ने अपहरण कर लिया है। पत्नी घबरा कर हिंगना थाने पहुंची और सारी बात पुलिस को बताई। अपहरण की शिकायत मिलते ही पूरे जोन की पुलिस एक्टिव हो गई। कंट्रोल रूम को जानकारी दी गई। पूरी रात तलाशने के बाद भी गजेंद्र का पता नहीं चला। इस बीच बुधवार को सुबह उसने किसी अज्ञात नंबर से सुरेखा को कॉल किया और बताया कि वह ज्यादा नशा होने के कारण वह मिहान के किनारे वाले रास्ते पर पुल के नीचे सो रहा है।
सुरेखा ने तुरंत पुलिस को यह जानकारी दी। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने नशे में धुत गजेंद्र को थाने लाया और पूछताछ करने पर अपहरण की झूठी कहानी बताई। कर्मचारियों की जिद और सरकार द्वारा कोई भी पर्याय व्यवस्था नहीं किए जाने का ही नतीजा है कि अब जनता हालाकान हो गई है। एसटी कर्मचारियों की हड़ताल से ग्रामीण जनता के बुरे हाल है। करीब महीना बीत जाने के बाद भी कोई हल नहीं निकल सका है। अब तक नागपुर मंडल के 420 कर्मचारियों को निलंबित किया जा चुका है। सरकार और कर्मचारियों के बीच चल रहे घमासान की सजा आम जनता को भुगतना पड़ रही है। एसटी के बंद होने से ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिकों का शहरी भागों में आना जाना बंद हो गया है। हड़ताल बढ़ने के साथ ही प्राइवेट बसों और टैक्सियों ने किराया भी बढ़ा दिया है। इसी बीच बुधवार को नागपुर मंडल की ओर से 20 कर्मचारियों को निलंबित किया गया। इस तरह अब तक कुल 420 कर्मचारियों को निलंबित किया जा चुका है। कर्मचारियों का कहना है कि भले ही निलंबित या बर्खास्त, हम काम पर नहीं लौटने वाले। वहीं दूसरी ओर बुधवार से जिले में स्कूलें भी शुरू हो गई, लेकिन बस नहीं होने से पालक ही अपने बच्चों को स्कूल तक छोड़ रहे हैं। लोगों का कहना है कि अब सरकार को बीच का मार्ग निकालना चाहिए। आखिर कितने दिनों तक लोग परेशान होते रहेंगे? महावीर इंटरनेशनल एक अग्रणी एनजीओ द्वारा आगामी 27 फरवरी को निशुल्क बिना ऑपरेशन के मैकेनिकल कृत्रिम हाथ लगाने का शिविर लिया जा रहा है, जिसका आयोजन एमएलए हॉस्टल में किया जाएगा, जिसकी जानकारी बुधवार को आयोजित पत्र परिषद में दी गई। महावीर इंटरनेशनल एक अग्रणी एनजीओ है जिसने हर जगह अहिंसा, अहिंसक, सत्य, साथी भावना और भाईचारे के दर्शन और शिक्षाओं को बढ़ावा देने का कार्य किया है। नागपुर महावीर इंटरनेशनल नागपुर द्वारा रोटरी क्लब पूना डाउनटाउन के सहयोग से अमेरिका में बने मैकेनिकल कृत्रिम हाथ निशुल्क और बिना किसी ऑपरेशन के नागपुर में 27 फरवरी को सुबह 9 बजे से 1 बजे तक नागपुर के एमएलए हॉस्टल में लगाए जाएंगे। महावीर इंटरनेशनल नागपुर के अध्यक्ष श्रीमती अर्चना जवेरी व सचिव श्री विपुल कोठारी ने बताया कि हाथ दुनिया के 80 देशों में लगभग 70,000 लोगों को लगाया जा चुका है। ऐसे लोग जिनका हाथ कोहनी से लगभग 4 इंच तक है, इस हाथ लगाने का लाभ ले सकते हैं। इस हाथ से आप रोजमर्रा के कार्य जैसे खाना बनाना, लिखना, खेती बाड़ी करना, मोटर बाइक चलाना आदि कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति जिनका इस हाथ से लाभ हो सकता है, वह अपने कटे हाथ का फोटो, नाम और पता व्हाट्सएप इस नीचे लिखे नंबरों पर करें। संस्था के डायरेक्टर श्री अतुल कोटेचा ने बताया कि संस्था की ओर से पिछले अनेक वर्षों से जयपुर फुट लगाकर आम जनता को लाभ पहुंचाया गया। संस्था सचिव श्री विपुल कोठारी ने बताया कि पूर्व सांसद अजय संचेती के मार्गदर्शन में संस्था ने अनेक समाज उपयोगी कार्यों को कर लोगों के प्रति समर्पित रही संस्था। आपकी जानकारी में अगर ऐसे कोई लोग हैं जो इस हाथ का लाभ ले सकते हैं, उन तक यह संदेश जरूर पहुंचाएं। आइए सब मिलकर आशा का एक हाथ बढ़ाएं और जरूरतमंद तक की जानकारी पहुंचाएं। मध्य भारत में पहली बार होने जा रहा है और यहाँ जो कैंप है, अभी तक के जयपुर फूड का काम कैंप होता था, जो पैरों का कैंप होता था, इस पहली बार इस विदर्भा के अंदर और एनसीटी के अंदर नेशनल की ओर से, और ये जो हाथ का कैंप है, ये आपके सहयोग के बिना अधूरा है। जब तक लोगों तक ये पूरी जानकारी जाएगी नहीं, जब तक लोगों तक ये न्यूज़ नहीं जाएगी कि हाथ का कैंप हो रहा है, लगभग पूरे भारत देश के अंदर अनेक ऐसे लोग हैं जो एक्सीडेंट के कारण अपना हाथ जिन्होंने गंवाया, और विदर्भा में काफ़ी बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं। अभी जब ये न्यूज़ जाएंगी तो काफ़ी लोग इस कैंप के अंदर आएंगे। जो मानवता का यह काम है, ये महावीर इंटरनेशनल लगातार कर रहे हैं। मैं सचिव हमारे भाई विपुल कोठारी जी को निवेदन करता कि वे भी संस्था की संपूर्ण जानकारी सभी पत्रकारों को पेश करें। इंटरनेशनल नागपुर पुणे डाउनटाउन रोटरी क्लब के साथ मिलकर LN4 जो एक प्रोस्थेटिक हैंड है, उसका प्रोजेक्ट लाने जा रहा है। तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा ये मैसेज पहुँचाने का प्रयास रहेगा कि जो लोगों का हाथ कोहनी से 4 इंच तक है, वो लोग इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। इस हाथ का, ये हाथ जो है, इसका रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है अभी से, और 27 फरवरी को सुबह 9 बजे से लेके 1 बजे तक एमएलए हॉस्टल में नागपुर में ये शिविर लगेगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी पहुँचने की कोशिश रहेगी और पूरे महाराष्ट्र में ये संदेश जाए, ऐसा
हमारा मनोगत है। मैकेनिकल हाथ है, अमेरिका में बनी हुई टेक्नोलॉजी है। इससे आप वो हाथ लगने के बाद 1-1.5 किलो तक का वज़न उठा सकते हैं। उसके अलावा गाड़ी चलाना, कुकिंग करना या खेतीबाड़ी करना, ऐसे हल्के फुल्के रोज़मर्रा के काम इंसान दोबारा से नॉर्मल तरीके से कर पाता है। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, लेकिन बने रहिए आप हमारे साथ। लव यू दीपिका। बाय। सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। Flywheel Aviation Academy एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहाँ कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। Flywheel Aviation Academy, 1 degree 3 job opportunities। Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka बैंक नागपुर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। राज्य में पहले से ही सुगंधित तंबाकू पर प्रतिबंध लगा है, इसके बाद भी तंबाकू की धड़ल्ले से बिक्री की जा रही थी। लॉकडाउन में जहां पान ठेले बंद थे, वहीं दूसरी ओर चोरी छिपे गुटखा मिल रहा था। अब कई महीनों बाद अन्न व औषध प्रशासन विभाग द्वारा सुगंधित तंबाकू को लेकर एक्शन मोड में आया है। इसी बीच रामदासपेट क्षेत्र में पान ठेलों पर बड़ी कार्रवाई की गई और माल जब्त किया गया। राज्य भर में सुगंधित तंबाकू की बिक्री पर रोक है, इसके बावजूद अब तक धड़ल्ले से बिक्री की जा रही थी, लेकिन पिछले महीने भर से पुलिस के साथ ही अन्न व औषध प्रशासन विभाग द्वारा कार्रवाई शुरू की गई है। पिछले दिनों तंबाकू बनाने वाले कुछ गोदामों पर कार्रवाई की गई, अब अन्न व औषध प्रशासन विभाग ने रामदासपेट में कार्रवाई को अंजाम दिया। विभागीय सह आयुक्त सुरेश अन्नपुरे ने विशेष मुहिम चलाई ताकि बिक्री पर रोक लगाई जा सके। रामदासपेट क्षेत्र में रविराज धाबरडे, अनंत कुमार चौधरी, अमर सोनटके, आनंद महाजन के दल ने अभय देशपांडे के नेतृत्व में बाबा पान सेंटर, ताज फ्रेंड पान शॉप, पांडे पान मंदिर, इन पर छापा मारकर 8,473 रुपए मूल्य का 4.5 किलोग्राम माल जब्त किया है। इन सभी पान ठेले वालों पर बजाज नगर पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई है। एक अन्य कार्रवाई में अन्न व औषध प्रशासन विभाग ने यूनिक फ्रोजन फूड कॉरपोरेशन पर बिना लाइसेंस व उचित अनुमति के बिना आइसक्रीम बेचने के आरोप में जब्ती कार्रवाई की। कुल 156 किलो आइसक्रीम जिसकी कीमत 61,600 रुपए बताई गई। बिना लाइसेंस खाद्य सामग्री की बिक्री नहीं की जा सकती है। निजी वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने के निर्देश केंद्र सरकार के मार्ग परिवहन विभाग ने सभी राज्यों को जारी किए हैं। इसके अनुसार उस प्रकार नंबर प्लेट डाले जा रहे हैं जिससे फैंसी नंबर प्लेटों का क्रेज गुम हो गया है। पहले शौकीन विविध तरह की फैंसी नंबर प्लेट वाहनों पर लगाते थे जिसमें दादा, नाना, बॉस जैसे कई तरह के नाम डाले जा रहे थे। इसमें गत 2 वर्ष पूर्व हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने के सभी और क्रियान्वयन शुरू हो गए। इसके तहत दादा, नाना, मामा, राज, पवार जैसे अन्य विशेष नंबर की मांग कम हो गई है। एक समय में विशेष नंबर का बड़ा क्रेज दिखाई दे रहा था, लेकिन अब इसमें भारी कमी आ गई है। उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी कार्यालय की ओर से नए वाहन खरीदी करने के बाद तथा पुराने वाहनों के नाम परिवर्तन करते समय वाहनों की जाँच की जाती है। इसके बाद RC बुक और अन्य कागजात दिए जाते हैं। इसमें दुपहिया, फोर व्हीलर तथा की जांच की जाती है। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने के बाद उस पर कोई भी विशेष प्रकार का नंबर अलग पद्धति से डाला नहीं जा सकता। इसमें नंबर प्लेट सरल पद्धति से लगाई जा रही है जिससे विशेष नंबर की मांग कम हो गई है। इसके पूर्व पसंद वाले नंबर के लिए उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय में पंजीयन के लिए प्रमाण बढ़ गया था, वही अब यह प्रमाण दिन ब दिन कम होते दिखाई दे रहा है। वर्तमान में कई लोगों के लिए रिश्ते नाते से ज्यादा जरूरी पैसा हो गया है। पैसों की खातिर यारी दोस्ती तो क्या, खून के रिश्ते भी भूल जाते हैं। इसी तरह की एक घटना हुड़केश्वर थाना अंतर्गत सामने आई। एक युवक ने अपने दोस्त के घर पर 4,50,000 रुपए सुरक्षा की दृष्टि से रखे, लेकिन दोस्त ने स्टैम्प पेपर पर साइन करा कर सारी रकम हड़प ली गई।
आरोपी का नाम खरबी रोड निवासी विनोद पाटिल बताया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार न्यू अमरनगर में रहने वाले प्रवीण हरिदास मल्लेवार और विनोद एक ही गांव के होने से उनके बीच अच्छी जान पहचान थी। विनोद अपनी पत्नी के साथ रहता है। बातचीत के दौरान प्रवीण ने विनोद को एक प्लॉट खरीदने की इच्छा जताई। कुछ दिन बाद विनोद ने उसे दलाल के माध्यम से जीजामाता नगर में वैष्णो लेआउट में 800 वर्ग फीट का प्लॉट दिखाया। प्रवीण को प्लॉट पसंद आया और 5,85,000 रुपए में सौदा कर लिया। दलाल भूते को 11,000 रुपए बयाना देकर स्टाम्प पेपर बना लिया गया। इसके बाद प्रवीण ने अपने पास जमा और रिश्तेदारों की मदद से 4,50,000 रुपए जमा कर लिए, लेकिन इतनी बड़ी रकम घर में होने से चोरी के डर से वह विनोद के यहाँ पहुँचा। विनोद को रकम उसके घर रखने को कहकर वहाँ से चला गया। अगले दिन रकम मांगने पर विनोद ने काम का बहाना बनाकर शाम को रकम देने की बात कही। प्रवीण का आरोप है कि वहाँ उससे बिना पढ़े ही एक स्टैम्प पेपर पर साइन करवा लिए गए। फिर बताया गया कि इस पर लिखा गया है कि उन्होंने सारी रकम लौटा दी है। इसके बाद विनोद ने उसे धमका कर वहाँ से भगा दिया। अपने साथ हुई धोखाधड़ी से परेशान प्रवीण ने पुलिस से सहायता मांगी और विनोद के खिलाफ शिकायत की। चंद्रपुर जिले के वरोरा तहसील में 4 फीट लंबा और 1 फीट चौड़ी पैर की हड्डी, 3 फीट लंबी हाथ की हड्डी मिली है। उसके आकार को देखते हुए यह डायनासोर जैसे विशालकाय प्राणी के होने का अनुमान लगाया जा रहा है। साथ ही हजारों वर्ष पूर्व दुर्लभ हाथी के होने का भी अनुमान चंद्रपुर के भूशास्त्र और पर्यावरण विशेषज्ञ प्रोफेसर सुरेश सोमने ने व्यक्त किया है। चंद्रपुर जिले के वरोरा तहसील के पश्चिम में तुलना गांव के पास वर्धा नदी बहती है। नदी किनारे कुछ स्थानों पर बाढ़ के साथ बहकर आए कई पत्थर है। यहाँ पर काफी पुराने बेसाल्ट पत्थर की परत है। दोनों परतें मिल जाने से उनके काल का अनुमान लगाना मुश्किल हो रहा है। किसान विजय ठेम ने और उसके पुत्र नदी किनारे घूम रहे थे। उन्हें हड्डी जैसी सख्त चीज दिखाई दी। उन्होंने उसे देखकर चंद्रपुर के प्रोफेसर सोपने को सूचना दी। 29 नवंबर को उन्होंने जीवाश्म स्थल को भेंट देकर निरीक्षण किया। हड्डी जीवाश्म होकर डायनासोर अथवा हाथी जैसे विशालकाय जानवर की होने का अनुमान उन्होंने व्यक्त किया। 4 फीट लंबी हड्डी को देखते हुए सोपने ने बताया कि यह 15 फीट ऊंचे और लगभग 20 फीट लंबे प्राणी की हड्डी हो सकती है। इस आकार के डायनासोर अथवा हाथी हो सकते हैं। यहाँ पर रेत खुदाई का काम शुरू है, इसलिए वहाँ से इसके अलावा निकलने वाली हड्डियों को पानी में फेंकने का अनुमान है। यहाँ मिले जीवाश्म की जांच के बाद ही स्पष्ट होगा कि यह डायनासोर का है अथवा हाथी का। प्रोफेसर सोपने ने कहा कि वरोरा तहसील में इसके पूर्व डायनासोर के जीवाश्म मिले थे। बीच बीच की खुदाई में ऐसे जीवाश्म मिलते रहे हैं। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की ओर से तुरंत सर्वे संशोधन कर भूतकाल के सजीवों की जानकारी लेने की विनती उन्होंने की है। चंद्रपुर जिले के बल्लारशाह वन परिक्षेत्र के कारवा उपक्षेत्र अंतर्गत कारवा बीट के कक्ष क्रमांक 500 में 37 नवंबर को एक मादा बाघिन मृत मिली थी। बाघिन की मौत बाघों के संघर्ष में होने का प्राथमिक अनुमान वन विभाग के पदाधिकारियों ने लगाया। इस मादा बाघिन की मौत के साथ ही जनवरी के अब तक जिले में कुल 12 और राज्य में 22 बाघों की मौत हो चुकी है। नागबीट तहसील के तलोदी बालापुर के पास एक खेत में एक बाघ का करंट लगाकर शिकार किया गया था। उसके दांत और नाखून बेचने के प्रयास में आरोपी वन विभाग के हत्थे चढ़ गए थे। इसके अलावा कोठारी में भी शिकार कर उसके अंग नागपुर के बुटीबुरी पुलिस थाना अंतर्गत बेचते आरोपी धराए थे। सिंधेवाही में वन विभाग की टीम ने 2 आरोपियों को बाघ के अंगों के साथ धर दबोचा था। पूछताछ के बाद दोनों आरोपियों ने बताया था कि धनवर्षा के लिए बाघ के नाखून, बाल, दांत और हड्डी का प्रयोग किया जाता है। वन विभाग के अनुसार जिले में 200 से अधिक बाघ है। कई बार बाघ किसी प्रकार की दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं और कई बार बाघों की भिड़न में उनकी मौत हो जाती है। 7 जून को सिंधेवाही तहसील के मरेगांव नियत क्षेत्र में मरे हुए बाघ के अंग मिले थे। पूछताछ के बाद 2 आरोपियों ने स्वीकार किया था कि धनवर्षा के लिए आरोपी बाघ के अंग लिए गए थे, किंतु उन्होंने बाघ का शिकार नहीं किया था। 8 जून को राजुरा वन परिक्षेत्र के विहिरगांव उपक्षेत्र तथा नियत क्षेत्र 172 में नरबाघ मरा हुआ मिला था। 9 फरवरी को ताड़ोबा अंधारी बाघ प्रकल्प के बफर वन क्षेत्र के आष्टा बीट के शेगांव समीप अर्जुनी कोकेवाड़ा परिसर के एक खेत में बाघ मृत पाया गया था।
इस नरबाघ की आयु 2.5 से 3 वर्ष थी। 29 जनवरी को भद्रावती रेंज के छिपराला गांव के कंपार्टमेंट क्रमांक 210 में मृत बाघ मिला था। इस बाघ की नैसर्गिक मौत होने की जानकारी वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी ने दी थी। इसके दांत, नाखून, पूंछ आदि सभी सलामत थे। नागपुर के गोरेवाड़ा में ताड़ोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्प के खली नामक बाघ की मौत हो गई थी। उसकी डील हॉल की वजह से उसे खली के नाम से संबोधित किया जाता था। इस प्रकार जिले में अब तक 12 बाघों की मौत हो चुकी है। सुबह के प्राइम टाइम में बस इतना ही, लेकिन अन्य खबरों के लिए बने रहिए आप हमारे साथ।